हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बेट मनचाओ सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। ठंड में सूप तो हर किसी को पीना बहुत अच्छा लगता है और बेट मनचाओ सूप तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेट मनचाओ सूप के लिए नूडल्स है, तो इसके लिए मैंने नूडल्स को बॉयल करके अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब नूडल्स में हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर नूडल्स में अच्छे से मिक्स होना चाहिए, इससे हमारे नूडल्स जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। देखिए कॉर्नफ्लोर जो अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं और हम सूप के लिए सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है मैंने। अब बाउल में हम 1 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे, 1 टेबल स्पून में रेड चिली सॉस डालेंगे और अगर आपको थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है तो इसमें आप टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए मैंने 2 चम्मच टोमेटो केचप लिया है। आप इसमें टोमेटो केचप को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं या पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और सूप के लिए स्लरी बना लेंगे। स्लरी बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें अच्छे से इसकी स्लरी बना लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखिए स्लरी जो है मेरा रेडी हो गया है। अब इसे साइड में रखेंगे और सूप के लिए हम बेज स्टॉक बनाएंगे। बेज स्टॉक बनाने के लिए मैंने 1 लीटर पानी भगोने में ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और अपनी सब्जियों को डालेंगे। इसमें 2 से 3 कली लहसुन डाला है, 1/2 इंच अदरक बड़े टुकड़ों में काट के डालेंगे और थोड़ा सा प्याज भी, उसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में ऐसे ही काट के इसमें डालेंगे। और 1/2 गाजर ले लेंगे और उसे भी बड़े टुकड़ों में काट करके डालेंगे। थोड़ा सा इसमें बीन्स कटा हुआ डालेंगे, थोड़ी सी ब्रोकली डाल लेंगे और थोड़ा सा पत्ता गोभी, और इसमें कुछ मैंने थोड़ा सा हरे धनिए का स्टेम भी डाला है। आप हरे धनिए का स्टेम जो है वेज स्टॉक में ज़रूर डालें, इससे जो है वेज स्टॉक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और सूप में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम बॉयल होने देंगे जिससे हमारे सारी सब्जियों का फ्लेवर पानी में आ जाएगा। ये देखिए पानी जो अच्छे से बॉयल हो गया है, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। और अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे पानी को हम छान लेंगे। ये देखिए एक बाउल में मैंने पानी को छान लिया है। वेज स्टॉक मेरा रेडी है। अब चलिए इसे साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नूडल्स को फ्राई करेंगे। नूडल्स फ्राई करने के लिए 1 कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म कर लिया है। तेल जो मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें हम थोड़े थोड़े नूडल्स को डालेंगे और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई होने देंगे। जैसे जैसे हमारा नूडल्स फ्राई होते जाएगा, इसमें जो तेल की बुलबुले हैं वो कम होते जाएंगे। अब हम नूडल्स को दोनों साइड से पलट पलट क्रिस्पी होने तक इसे और थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए नूडल्स के कलर जो है थोड़े थोड़े से चेंज होने लगे हैं। नूडल्स जो है बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और ऐसे और भी अपने नूडल्स को हम फ्राई कर लेंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। गैस पे मैंने 1 कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम उसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे। जब भी कोई चाइनीज डिश बनाते हैं तो फ्लेम को बिल्कुल हाई रखें। इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लेंगे, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और 1 हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे और इन सबको हम थोड़ा सा पकाएंगे। सब्जियों को हमें बहुत थोड़ा सा पकाना है क्योंकि हमें इसे क्रंची रखना है और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे। अब हम इसमें 1 छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसे भी इसके साथ ही कुछ सेकेंड के लिए पकाएंगे। बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक इसे हम पकाएंगे।
प्याज का कलर जो है हल्का सा चेंज हो गया है, हल्का ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसमें अपनी सब्जियों को डालेंगे। आधा कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटी हुई बीन्स, आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर और थोड़ा सा इसमें हम ब्रोकली डालेंगे। छोटे छोटे पीसेस में करके डालेंगे। सब्जियों को इसमें बिल्कुल छोटे पीस में करके डालें, इससे सूप जो है बहुत ही अच्छा बनता है। हाफ कप पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे हमारी सब्जियां जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, और इसे एक बार मिक्स करेंगे चलाते हुए, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई हीट पर हम चलाते हुए पका लेंगे। सब्जियां जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें तैयार किए हुए सॉस को डालेंगे और हाफ टी स्पून MSG या टेस्टिंग सॉल्ट डाल लेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। सूप में जो है ब्लैक पेपर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें अपने तैयार किए हुए वेजिटेबल स्टॉक को डालेंगे। इसमें मैंने 4 कप वेजिटेबल स्टॉक का यूज किया है। आप अपने हिसाब से जितना भी सूप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप उतना इसमें वेजिटेबल स्टॉक को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक उबाल आने तक हम पकने देंगे। कि सूप में जो है एक अच्छा सा उबाल आने लगा है। अब हम इस स्टेज पे इसमें तैयार की हुई अपनी कॉर्नफ्लोर की स्लरी को डालेंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे जिससे इसमें कोई लम्स नहीं पड़ेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल आने तक और थोड़ा सा सूप जो है थिक होने तक पकाएंगे। देखिए सूप जो है मेरा थिक हो चुका है, सूप जो है मेरा बिल्कुल पक चुका है। बिल्कुल सर्व करने के लिए सूप मेरा रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और सूप को सर्व कर लेंगे। मैंने सूप को सर्व करने के लिए एक बाउल लिया है। अब हम इसे बाउल में गर्मा गर्म सूप को सर्व करेंगे। इसे थोड़ा सा हरे प्याज के पत्ते के साथ गार्निश कर लेंगे और ऊपर से हम फ्राई किए हुए नूडल्स को डाल लेंगे। इससे जो है हमारे सूप का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सूप जो है बहुत ही हेल्दी भी होता है और पीने में टेस्टी भी होता है, और बैर मन चाव सूप तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।